तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानकार बाबा और वापस से आ गया है आपके लिए एक और क्रेटा का व्लॉग। तो इस संडे क्या हो रहा था कि गाड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी और मेरे घर के पास में ही एक बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट बनाते हैं और हम आ गए वॉशिंग करवाने क्रेटा के लिए। अभी मेरे साथ है ये पूरे जो सेटअप के ओनर है हितेश पटेल अंकल, इनका ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। तो इनसे थोड़े अपन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि क्या क्या ये प्लांट में इन्होंने एस्टेब्लिश कब किया और क्या क्वालिटी है इस प्लांट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंकल, ये प्लांट आपने वडोदरा में शुरू कब किया और ये क्या इंडिया का पहला है या फिर ऐसे और भी आ चुके हैं अभी तक? मैंने 3 साल पहले चालू किया और बड़ोदरा में ये दूसरा है। अच्छा, तो 3 साल पहले आपने चालू कर दिया था। रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर आप भी वडोदरा में रहते हैं तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये बना कहाँ पे है? पूरा प्लांट है, पूरा जर्मनी का आता है, सब पार्ट जर्मनी के होते हैं लेकिन उसको असेंबल हमने अहमदाबाद में करवाया। अच्छा, मतलब पूरा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट रहने वाला है और ऐसा कहीं भी नहीं है कि गाड़ी को कुछ हार्म पहुँचाता है और एक एक कोना क्लीन हो रहा है? तो आपके मन में एक और ये सवाल रह रहा होगा फ्रेंड्स कि ये पूरा ऑटोमेटिक है तो कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार अपन ये डाउट क्लियर कर लेते हैं ओनर से ही। तो अंकल, जैसे मैंने क्रेटा ये क्लीन कराई, एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये रहती है, तो इसका कॉस्टिंग अगर जैसे ये मैंने जो पर्टिकुलर क्लीनिंग करा है अंदर का वैक्यूम और बाहर का पूरा क्लीनिंग, तो कॉस्टिंग कहाँ से चालू होती है? उसका हम 600 रुपये देते हैं। ओके, अंदर से वैक्यूम और पॉलिश सब आता है और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग होता है। जैसे हैचबैक होता है उसका 400 लेते हैं, कैडेट का 500 और एसयूवी का। मतलब आपका जो सर्विस है 400 रुपीज़ से चालू हो रहा है हैचबैक के। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल जो कॉस्ट है, आप कोई भी मैनुअल वॉशिंग प्लांट में भी करवाते हो तो भी इतना ही रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है और आपको कुछ यूनिक मिलने वाला है। तो एक बार आपको ये ट्राई करना चाहिए। और मैंने क्रेटा वॉश कराई, मेरे को पर्सनली काफ़ी मज़ा आया, क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग वॉज वेरी गुड
एंड ओवरऑल रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको क्लीनिंग के बाद पूरा सिनेमेटिक शॉट्स देने वाला हूँ ये वीडियो में।